90s का माहौल है तो 90s का ही एक क्विज है जो मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि बताइए ये कौन से सुपरहिट गाने के लिरिक्स है। ए दिलरुबा मुझे ये बता, तेरा नाम है क्या, तेरा क्या पता, तेरी भा गई है अदा, हो गया दिल फिदा, सुन ले सदा। ए दिलरुबा मुझे ये बता। ये जो तू बोला ना इसी गाने के, इस गाने का सुपर डुपर हिट गाना है ये। ये साधना जी के उस गाने के इनिशियल बोल है, पहले के बोल है जिन पर मजरूह सुल्तानपुरी जी ने अपना जादू चलाया। अच्छा। और उस गाने के नए बोल बन गए पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। और साधना जी का गाया ये गाना बन गया इंडिया का लव एंथम। मैम व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग। और अब आप सब भी दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज इसी गाने पे अपना जादू चलाने आ रहे हैं सुकून की शक्ल ओबाम साधना। चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया के साथ प्यार का मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया। ऐसा कोई इंसान है जिसने इस गाने से अपना पहला इश्क नहीं निभाया हो। सो ये ऐसा गाना है। ओबोम ऑलरेडी एक अलग आवाज है
उसमें एक कॉन्फिडेंस जागते हुए देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है. तुमने बहुत अच्छा गाया. बहुत कुछ बोलने जैसा है लेकिन अभी तो मैं यही कहूंगी छा गए आप. उदित जी का छाया हुआ है हमारे दिमाग पे. उनकी आवाज, उनकी अदा, उनकी लेकिन आपने अपने ढंग से उसको अपना के गाया. पहला नशा, पहला खुमार. जैसे कुछ गानों को सचमुच माता सरस्वती का आशीर्वाद मिल जाता है. जतिन जी, ललित जी, उन्होंने खुद यह गाना अरेंज किया है. विजू शाह जी ने इसमें जो इंट्रो म्यूजिक है वो बजाया है. देखिए कितने बड़े बड़े नाम इसमें जुड़े हुए हैं. फराह खान जी, मंसूर खान जी और मजरूह सुल्तानपुरी जी, उदित नारायण जी, सबके लिए तालियां. आपने कौन से सुर में गाया? मैं तो इसमें गाती हूँ, वो भी नीचे करके गाती हूँ सुर. मैम जी, मैं जी में नहीं गाऊंगी, एफ में. उसने ये बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के, रह जाओ जैसे मैं हार के, और जो हिट पे लिट क्या आपका है? जी जी, ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लिट है. थैंक यू मैम, थैंक यू. लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग संगीत का साक्षात स्वरूप. एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मेनुका फॉडेल. छुपके से रात की चादर तारे, चांद की भी आहट ना हो बादल के पीछे जाने. जले कतरा कतरा, गले कतरा कतरा, हाथ की आड़ से
गाना सुनते वक्त जो मेरे मन में बात आ रही थी, मैं जानती हूँ कि तुम बाबा को बहुत मानती हो, साईं बाबा को, राइट? जी मैम। बाबा का इतना आशीर्वाद है तुम पे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें जो चीज़ देखने की ज़रूरत है ना, वो करेक्ट नज़र दी है, वो है सुर। थैंक यू सो मच। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। वो कहीं पर चूक नहीं हो रही है, हर सुर दिल को छूते हुए गया है। बहुत सुंदर बात है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत गाया। तुमने कुछ कुछ जगह पे इम्प्रोवाइज भी किया, थोड़ा सा लेट लय को पकड़ के गाया। अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर। आजकल जितने भी सिंगर हैं सब परफॉर्मर होते हैं, फैंसी कपड़े पहन के स्टेज पे किस तरह मूवमेंट होना चाहिए, किस तरह से ऑडियंस को मोह लेना चाहिए, वो सब लेकर जाते हैं स्टेज पे। आप वो सब छोड़ के जाती हैं, जैसे बाहर चप्पल उतार के जाते हैं ना मंदिर में, वैसे आप स्टेज पे आती हैं। यू आर इनक्रेडिबल आर्टिस्ट, इनक्रेडिबल। थैंक यू सो मच सर।
मैं यहाँ बैठ के नहीं, मैं उसको गले लगाना चाहती हूँ, तो मैं वहाँ आना चाहती हूँ। चुप कैसे लग जा गले? परमात्मा की कृपा है आप पे, इसलिए आप हृदय से गाती, इसलिए सबके हृदय तक पहुंचती आपकी आवाज और सबके दिलों में आप बस गई है। ये गाना श्रेया ने भी गाया है। मुझे ये गाना इतना इतना पसंद है, इसलिए मैं गाती रहती हूँ जब भी मौका मिलता है। विशाल जी की ख्वाहिश है कि आप दोनों वो जादू हमको, मैंने बोला अगर आप दिखा सके दो लाइन में। कम ऑन। चुपके से रात के काजल तले चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले जले खतरा खतरा गले खतरा खतरा रात भी नाई ले आधी आधी रात भी नहीं ले आधी आधी के लिए तो बनता है, लेकिन हम इसको बड़ा सॉफ्टली बोलेंगे, ठीक है? ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लिट है। थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।